Shahrukh. I. So, Dilwale Dulhaniya ke liye, you are not looking forward. Shahrukh. यार ये फिल्म जो है 80s 90s में सेट है और हमने कोशिश की वहाँ पे जब इवन जब बैकग्राउंड के अंदर राम ने ऐसा रेडियो चल रहा है तो गाने उसी जमाने के हैं. एक बहुत अच्छा है, कौन सा वो ऋषि कपूर जी का कौन सा गाना है वो, लैला लैला, हाँ पायलिया हो. तो गाने जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं हमेशा वो 80s और 90s के पीरियड के हैं. सो वी जस्ट फेल्ट कि एक नाइट क्लब है या बार है तो वहाँ पर अगर कोई डांस कर रहा है तो ऑब्वियसली उसी जमाने का कोई फेमस गाना चल रहा होगा. सो लैला लैला. सर रईस, सर राम संपत गिवन द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ द मूवी एंड इट लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. हाउ पिवोटल इज राम संपत बैकग्राउंड स्कोर फॉर द मूवी एंड हाउ इज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद सनी लियोने फॉर लैला लैला सॉन्ग्स. वी आर वेरी ग्लैड यू आस्क्ड अबाउट राम. यार बहुत अच्छा म्यूजिक है. आई थिंक जान है पिक्चर की क्योंकि उनका इज ही ऑल्सो फ्रॉम गुजरात. ओके, बट व्हाट ही इज डन इज नो व्हाई आई आस्क सीरियसली बिकॉज उसने जो लोकल फ्लेवर इन मॉडर्न टर्म्स डाला है बैकग्राउंड में, यू नो द ही इज डन अ लॉट ऑफ रिसर्च अपेरेंटली स्पेंड मेनी डेज देयर. तो मुझे तो बिल्कुल लगा ही नहीं, मुझे लगा ही हैज नॉलेज ऑफ ऑल गुजरात म्यूजिक. तो उसने उसको बड़ा मॉडर्न तरीके से यूज किया. यार अमेजिंग फ्यूजन है क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि जो म्यूजिक वो पुराने जमाने का लगे. इट शुड लुक कूल. तो आप इसकी जब थीम सुनेंगे but it is with lot of instruments which are used more popularly in Gujarat and usne bahut research karke bahut sari cheeze dali hai uske andar. ye genuinely trailer hai. picture mein jo unhone kaam kiya hai bahut khoobsurat hai. I mean I never go for background in my life for my own film because wo kisi aur ki job hai but I found it so intriguing. main bar bar jaake main kal bhi bola yaar chalte hain ek bar. it sounds really nice what he's done to it and usme kai jagah pe lyrics bhi use kar rahe hain. it's very very nicely and very innovative.